हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपना प्रैक्टिस सेट 17 देखने जा रहे हैं फ्रॉम मिलियन माइंड्स. ओके, सो लेट्स बिगिन. स्टार्ट करते हैं. तो पहला ही क्वेश्चन यहाँ पे आपका पैसेज आ गया है. रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द रिलेटेड क्वेश्चंस केयरफुली. यहाँ पे आपका पैसेज आ गया है, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए. चलिए फिर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. पहला क्वेश्चन है द पैसेज मेंशन जेम्स मैके. सो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए ही हो जाएगा, एज एन ऑथर ऑफ डिटेक्टिव स्टोरीज. नेक्स्ट क्वेश्चन है मर्डरस गैंगस्टर्स एंड क्रूक्स रेफर टू द पैसेज गिवन अबव. सो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा बी हो जाएगा, आर ऑफ इन ग्लोरीफाइड इन डिटेक्टिव स्टोरीज. अगला क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू दिस पैसेज अ क्रिमिनल इन अ डिटेक्टिव स्टोरी जनरली गेट्स कॉट. सो यहाँ पे करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, फॉर द क्राइम्स ही हैज़ नॉट कमिटेड. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. अकॉर्डिंग टू द पैसेज द लाइफ ऑफ अ क्रिमिनल, मतलब पैसेज के अनुसार क्रिमिनल की लाइफ क्या है. सो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा सी हो जाएगा, इज सेल्डम प्रेजेंटेड इन द राइट पर्सपेक्टिव. नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द पैसेज गिवन अबव डिटेक्टिव स्टोरीज. सो यहाँ पे करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, टेंड टू क्रिएट रॉन्ग नोशन अबाउट क्राइम्स एंड पनिशमेंट. ओके, यहाँ से आपका पैसेज का क्वेश्चन फिनिश हो गए हैं. इसको देख लेते हैं. ह्यूमनिज्म इज मोस्ट प्रोनाउंस्ड इन, ह्यूमनिज्म को सबसे ज़्यादा प्रोनाउंस्ड किया गया है किस में. सो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा बी हो जाएगा, रेनेसेंस. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज़ द करेक्ट स्पेलिंग. हमको इसमें अपनी करेक्ट स्पेलिंग बतानी है एप्रोप्रिएशनिस्ट की. सो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा ए ही हो जाएगा, ए डबल पी आर ओ पी आर आई ए टी आई ओ एन आई एस टी, एप्रोप्रिएशनिस्ट. एप्रोप्रिएशनिस्ट मीन्स क्या होता है, विनियोगवादी. क्या होता है, विनियोगवादी. ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं. यहाँ पे भी हमको करेक्ट स्पेलिंग ही बताना है एप्रापो की हमको करेक्ट स्पेलिंग बतानी है. तो यहाँ पे ए इज़ करेक्ट हो जाएगा एप्रापो. एप्रापो मीन्स क्या होता है, अकॉर्डिंग. क्या होता है, अकॉर्डिंग. अकॉर्डिंग मीन्स क्या होता है, अनुसार या अनुरूप. ओके, नेक्स्ट अगला है यहाँ पे एक्वाडिक्ट. एक्वाडिक्ट की हमको स्पेलिंग बतानी है. सो यहाँ पे करेक्ट स्पेलिंग क्या हो जाएगी, ए ही हो जाएगी, ए क्यू यू ई डी यू सी टी. एक्वाडिक्ट मीन्स क्या होता है, कैनल. क्या होता है, कैनल. कैनल मतलब नहर या फिर जल सेतु. ठीक है, इसको आप एलवीएस भी बोल सकते हैं, एलवीज. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है. अगला क्वेश्चन है यहाँ पे हमको बताना है आर्कियोपेट्रिक्स की स्पेलिंग बतानी है, आर्कियोपेट्रिक्स की. सो यहाँ पे ए इज करेक्ट हो जाएगा, ए आर सी एच ए ई ओ पी टी ई आर वाई एक्स, आर्कियोपेट्रिक्स. आर्कियोपेट्रिक्स मीन्स क्या होता है, एक पक्षी होता है, एक जीवाश्म पक्षी होता है. ओके, एक प्रकार का पक्षी होता है, जीवाश्म पक्षी, उसे ही बोलते हैं आर्कियोपेट्रिक्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है अटेन्यूटर. अटेन्यूटर की हमको करेक्ट स्पेलिंग बतानी है. अटेन्यूटर की स्पेलिंग कौन सी करेक्ट है. सो यहाँ पे ए इज़ करेक्ट हो जाएगा, ए डबल टी ई एन यू ए टी ओ आर, अटेन्यूटर. अटेन्यूटर मीन्स क्या होता है, छीड़कारी, मतलब प्रतिरोधों की व्यवस्था वाला एक उपकरण होता है जो रेडियो या ऑडियो सिग्नल की शक्ति को कम करता है, उसी को बोलते हैं अटेन्यूटर. ओके, एक प्रकार का उपकरण है जो रेडियो या ऑडियो की सिग्नल की शक्ति को क्या करता है, कम करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. व्हेन वी आर बॉर्न वी क्राई दैट वी हैव कम टू दिस ग्रेट स्टेज ऑफ फूल्स हु स्पीक दीज फेमस लाइन. ये इस फेमस लाइन कौन बोलता है, क्या कहता है कि जब हम पैदा होते हैं तो हम रोते हैं कि हम इस मूर्खों वाले महान स्टेज पर, महान अवस्था में आ गए हैं. जब हम पैदा होते हैं तो हम रोते हैं कि हम कहाँ आ गए हैं, इस मूर्खों के महान अवस्था में आ गए हैं. सो ये कौन कहता है. सो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, किंग लियर में किंग लियर ही कहते हैं ये बात. ओके, किंग लियर में इसका स्पीकर कौन है, किंग लियर ही है. अगला क्वेश्चन है इन विच पोयम वर्ड्सवर्थ कॉल्स द चाइल्ड ऑफ फिलोसोफर. किस पोयम में वर्ड्सवर्थ ने एक बच्चे को फिलोसोफर, चाइल्ड ऑफ फिलोसोफर कहा है. तो किस पोयम में कहा है. सो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा बी हो जाएगा, इमोर्टैलिटी ओड में कहा है.
ओके, अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट. सी टोल्ड द चिल्ड्रन नॉट टू स्टॉप द वर्क. यहाँ पे हमको जो ये अंडरलाइन है नॉट टू स्टॉप, इसको क्या करना है, इम्प्रूव करना है. अगर ये सही है तो नो इम्प्रूवमेंट है. तो सी टोल्ड द चिल्ड्रन, ये आपका इम्परेटिव सेंटेंस है. नॉट टू स्टॉप द वर्क, तो ये अपनी जगह पे सही है. सो यहाँ पे नो इम्प्रूवमेंट करेक्ट हो जाएगा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स बाई चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन. यहाँ पे हमको बतानी है इसकी यूटिलिटेरियनिज्म, यूटिलिटेरियनिज्म का करेक्ट क्या है मीनिंग. सो यहाँ पे हमारी करेक्ट मीनिंग हो जाएगी, बिलीफ दैट एंडोर्सेस ग्रेटर हैप्पीनेस ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल. ओके, सो करेक्ट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा. नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे अगला क्वेश्चन है ग्रज. ग्रज मिस क्या होता है? सो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ए ही हो जाएगा. ग्रज मिस होता है ईर्ष्या. इसका मतलब क्या होता है? ईर्ष्या. ईर्ष्या क्या, ईर्ष्या को आप मैलिस भी बोल सकते हैं, एम ए आई एल आई सी ई मैलिस बोल सकते हैं, या एनवी बोल सकते हैं, है ना. एनवी, जेलेसी, सभी को पता ही है, जेलेसी, एनवी, मैलिस. तो यहाँ पे ग्रज मिस होता है ईर्ष्या. तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ हैट्रेड. हैट्रेड. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. अगला है एफोरिज्म. एफोरिज्म मिस क्या होता है? एफोरिज्म मिस होता है कहावत. क्या होता है? कहावत होता है, कहावत, सूक्ति, यानी कि इसको आप एपिग्राम भी बोल सकते हैं, एपिग्राम. ओके, सो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वन मिनट, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा एफोरिज्म का डी हो जाएगा, शॉर्ट फ्रेज दैट सी समथिंग ट्रू आर वॉइस. मतलब एक शॉर्ट फ्रेज है जो कहता है किसी चीज़ के बारे में सत्य या वॉइस, ट्रू या वॉइस. ओके, अगला क्वेश्चन है, अगला यहाँ पे है लॉटिस. लॉर्डिस इसको पढ़ेंगे, लॉर्डिस है तो टी लिखा हुआ, बट यहाँ पे हम अगर इसको प्रोनाउंस करेंगे तो लॉर्डिस. लॉर्डिस मिस क्या होता है? असिस्ट या बेअदब. क्या होता है? असिस्ट या बेअदब. तो इसको आप लोग क्या बोल सकते हैं? अनसिविलाइज्ड बोल सकते हैं. पहले मैं इसका बता रहे हैं, अनसिविलाइज्ड बोल सकते हैं, सिनोनिम्स इसका है, अनसिविलाइज्ड बोल सकते हैं, या फिर मैनरलेस बोल सकते हैं. क्या बोल सकते हैं? मैनरलेस. उस, या फिर आपको मैनरलेस, या फिर आप यहाँ पे अनसिविलाइज्ड बोल सकते हैं. सो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारा कोअर्स हो जाएगा, यहाँ पे डी हो जाएगा, कोअर्स. कोअर्स मिस क्या होता है? कोअर्स मिस होता है असिस्ट होता है. ओके, तो यहाँ पे कोर्स हो जाएगा, कोर्स मतलब भी होता है असिस्ट, बेअदब मतलब अनसिविलाइज्ड, जिसके पास मैनर नहीं उसको मैनरलेस बोलते हैं, तो उसी का मतलब होता है लॉर्डिस. लॉर्डिस मतलब मैनरलेस. ओके, सो यहाँ पे करेक्ट आंसर कोअर्स हो जाएगा. और भी मीनिंग देख लेते हैं यहाँ पे हम, यहाँ पे इसका ये आंसर हो जाएगा ग्रेसियस. मतलब होता है ग्रेसियस, मतलब होता है दयालु, यानी कि बहुत क्वाय टाइप का, क्वाय, हम्बल भी बोल सकते हैं इसको. और आपका स्वा, स्वा मतलब ये होता है आपका जेंटल. इसका भी ये सारे सिनोनिम्स हैं एक दूसरे के. ओके, इसका मतलब भी होता है जेंटल. ओके, तो सिविलाइज्ड मतलब भी होता है सभ्य, जेंटल. सो यहाँ पे सब एक दूसरे के क्या हैं, सिनोनिम्स हैं. आगे बढ़ते हैं. ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इंटू असर्शन. यहाँ पे हमको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में चेंज करना है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है जिसको चेंज करना है असर्टिव में. If only I had come here before. तो यहाँ पे हमको किस में चेंज करना है, यहाँ पे हमको बताना है कि कौन सा आंसर सही है. सो करेक्ट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा, आई विश आई हैड कम हेयर बिफोर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. चेंज द सेंटेंस इंटू पैसिव वॉइस, आई सॉ हिम चेसिंग द फॉक्स. ओके, तो यहाँ पे हमको इसका पैसिव वॉइस बताना है, आई सॉ हिम चेसिंग द फॉक्स. सो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा डी हो जाएगा, ही वॉज सीन चेसिंग द फॉक्स. ओके, सो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ही वॉज सीन चेसिंग द फॉक्स. अब हिम को हमने क्या बना दिया है, सब्जेक्ट बना दिया है, ये पास्ट में है तो वॉज आ जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म है चेसिंग द फॉक्स, इसलिए डी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है,
एवरी डे वी यूजली हैव लंच एट 1:30 PM। तो यहाँ पे हमको जो नीचे है ना इसका बताना है, यहाँ पे सही करना है कि प्रत्येक दिन जो हम जो लंच करते हैं वो 1:30 बजे करते हैं, तो यहाँ पे हमको चेंज करना है, क्या आना चाहिए। सो यहाँ पे ये करेक्ट आंसर है, यहाँ पे नो इम्प्रूवमेंट होगा यहाँ पे, क्योंकि ये सेंटेंस आपका एवरी डे वी यूजली, एवरी डे आता है तो वो आपका प्रेजेंट में ही जाता है, तो ये सही है। ओके, सो करेक्ट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। What does pantheism mean? Pantheism मतलब क्या होता है? तो A is correct हो जाएगा, God is all and all is God, मतलब ईश्वर ही सभी है और सब जितनी भी चीज़ें हैं वो सारे ही ईश्वर ही हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर A हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिक द करेक्ट सेंटेंस। यहाँ पे हमको बताना है कि इन चारों में बताना है कि कौन सा करेक्ट सेंटेंस है। सो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। यहाँ पे पहला देख लेते हैं, नीदर रॉम और नीदर का पेयर आपका नॉर से बनता है, ना कि और से। और का तो इधर का बनता है और इधर का पेयर नॉर या और से बनता है, यहाँ पे नॉर इसलिए गलत दिया है। सो यहाँ पे हमारा डी सही हो जाएगा, नीदर राम नॉर सैम हैज़ डन इट। ओके, सो करेक्ट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन, ही इंसिस्टेड ऑन ही वॉज इनोसेंट। यहाँ पे हमको सही करना है इंसिस्टेड ऑन, सो यहाँ पे हमारा हो जाएगा ही इंसिस्टेड दैट ही वॉज इनोसेंट। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। तो यहाँ पे बी हो जाएगा, ही इंसिस्टेड दैट ही वॉज इनोसेंट। ओके, सो करेक्ट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। आगे चलते हैं, देयर नीड्स नो घोस्ट माई लॉर्ड कम फ्रॉम द ग्रेव टू टेल अस दिस। दिस लाइन अकर्स, ये लाइनें कहाँ पे आती हैं? बहुत फेमस लाइन है। तो ये लाइनें आपकी कहाँ पे आती हैं? ए में ही आती हैं, हैमलेट में ये लाइनें आती हैं। ओके, ये लाइनें कहाँ पे आती हैं? हैमलेट में आती हैं और होरेसियो बोलता है ये लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है, चेंज द नरेशन, नरेशन का क्वेश्चन है। ही सेड द टीचर यूजली डज नॉट आस्क एनी क्वेश्चंस। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर यहाँ पे ए ही हो जाएगा। ही सेड दैट द टीचर यूजली डज नॉट एनी आ, यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे कह रहा है ही सेड द टीचर यूजली डज नॉट आस्क एनी क्वेश्चन। तो यहाँ पे हमारा ही सेड दैट हो जाएगा, उसके बाद द टीचर यूजली, डज नॉट को हम किस में चेंज कर देते हैं, पास्ट में करेंगे तो डिड नॉट आएगा, आस्क एनी क्वेश्चन है। तो यहाँ पे ए तो नहीं सही होगा, बुक में आपका ए ही दिया है, तो यहाँ पे चेंज नहीं किया इसलिए ये गलत है। दूसरा है, द टीचर यूजली डिड नॉट आस्क एनी क्वेश्चन, तो ये आपका सही हो सकता है, यही सही है, बी इज करेक्ट हो जाएगा, आस्क एनी क्वेश्चन। ही सेड दैट द टीचर यूजली डिड नॉट आस्क एनी क्वेश्चन। हम बी पार्ट पे जा, बी ऑप्शन में जा सकते हैं, लेकिन ए ऑप्शन यहाँ पे गलत है, जो कि बुक में आपका ए ऑप्शन दिया हुआ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, वेयर डू यू लीव आस्क द स्ट्रेंजर। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या, मतलब स्ट्रेंजर ने पूछा कि तुम कहाँ रहते हो, सो यहाँ पे करेक्ट आंसर ए ही हो जाएगा, द स्ट्रेंजर आस्क्ड वेयर आई लिव्ड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विलियम शेक्सपियर इज़ अ क्रिटिकल एसे पब्लिश्ड इन 1864 बाई। विलियम शेक्सपियर एक क्रिटिकल एसे है, इसको पब्लिश किया गया है 1864 में किसके द्वारा? सो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, विक्टर ह्यूगो के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टडी ऑफ एंशियंट सोसाइटीज़। तो यहाँ पे एंशियंट सोसाइटी का जो अध्ययन कहलाता है वो क्या कहलाता है? आपका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है, आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए ही हो जाएगा। ओके, एंथ्रोपोलॉजी में क्या होता है? मनुष्य जाति का विज्ञान। एमनेस्टी मतलब होता है पार्डन, मतलब राज क्षमा होता है, पार्डन। और एथनोलॉजी मतलब भी होता है मानव जाति का विज्ञान। इसमें क्या होता है कि विभिन्न लोगों की जो विशेषताएं होती हैं और उनके बीच जो अंतर होता है ना, और अंतर और संबंध का अध्ययन किया जाता है, उसी को बोलते हैं एथनोलॉजी। ओके, सो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आई स्टेट इन विच द फ्यू गवर्न द मेनी। यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक राज है जिसमें कुछ बहुतों पर शासन करते हैं, उसे क्या बोलते हैं? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, ओलिगार्की।
ओलिगार्की बोलते हैं। ओलिगार्की अगर हम अपने भाषा में समझें इसको ना, अपनी लैंग्वेज में, मतलब किसी देश या मतलब किसी देश संगठन या संस्था पर नियंत्रण रखने वाले लोगों का एक छोटा सा समूह होता है, उसी को बोलते हैं ओलिगार्की। ओके, मोनार्की शासन होता है, और आपका ऑटोक्रेसी एक तंत्र होता है, और प्लूटोक्रेसी आपका धनिक तंत्र होता है, जिसको बोलते हैं गवर्नमेंट बाय द वेल्दी। गवर्नमेंट बाय द वेल्दी इज कॉल्ड प्लूटोक्रेसी। सो यहाँ पे हमारा बी पार्ट सही हो जाएगा। ओके, बी इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। मेडिकल स्टडी ऑफ हॉर्मोन्स, हॉर्मोन्स की जो अध्ययन कहलाता है, चिकित्सा जो अध्ययन क्या कहलाता है हॉर्मोन्स का। सो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। एंडोक्रिनोलॉजी, एंडोक्रिनोलॉजी मीन्स क्या होता है, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ या हार्मोन से संबंधित शरीर विज्ञान और चिकित्सा की शाखा, उसे बोलते हैं एंडोक्रिनोलॉजी। ओके, ऑर्थोपेडिक्स और भी ऑप्शन देख लेते हैं। ऑर्थोपेडिक्स ये आपके हड्डी से रिलेटेड है, और डर्मेटोलॉजी ये स्किन से है, और ऑप्थेल्मोलॉजी ये आपका नेत्र विज्ञान बोलते हैं इसको, आई से रिलेटेड है। ओके, सो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। जो हॉर्मोन्स पे स्टडी होती है, जो हमारे अंतःस्रावी जो ग्रंथियाँ होती है और हॉर्मोन से संबंधित शरीर विज्ञान और चिकित्सा की जो स्टडी होती है, उसे बोलते हैं एंडोक्रिनोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइट्स विल गो आउट अराउंड द वर्ल्ड विद हंड्रेड्स ऑफ पीपल सेट्स टू टेक पार्ट इन द अर्थ आर क्लाइमेट चेंज कंपेन। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे जो सेट्स टू टेक पार्ट है, इसको चेंज करना है, यहाँ पे क्या आना चाहिए। यहाँ पे देखिए, हमारा जो सब्जेक्ट है ना, वो लाइट्स है, तो प्लूरल हमारा सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे प्लूरल हमारा वर्ब भी आना चाहिए। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए ही हो जाएगा, सेट टू टेक पार्ट हो जाएगा। ओके, यहाँ पे करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, सेट टू टेक पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द एग्जाम्पल ऑफ सेंटेंस रिटन एक्टिव वॉइस। इसमें बताना है कि कौन सा सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है। तो यहाँ पे पहला देख लेते हैं, दिस इज हैड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो ये आपका पैसिव वॉइस में है। आपका यहाँ पे तीसरा देख लेते हैं, द न्यू डिश हैड बीन, ये भी आपका पैसिव वॉइस में है। यहाँ पे बी पार्ट सही है, द हिसी वॉश्ड ड्राइड एंड पुट अवे न्यू डिशेज, ये आपका पास्ट इंडिफिनिट है, सिंपल पास्ट है। सो यहाँ पे ये एक्टिव वॉइस है, बी इज करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, हु रोट द फोर्थ कॉमेंडेटरी वर्ड्स टू द फर्स्ट फोलियो ऑफ शेक्सपियर प्लेज। यहाँ पे क्या कह रहा है कि किसने द फोर्थ कॉमेंडेटरी वर्ड्स टू द फर्स्ट फोलियो ऑफ शेक्सपियर प्लेज किसने लिखा है। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, जेम्स मैबे ने लिखा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट्स द प्लूरल ऑफ रेडियस। रेडियस का हमको प्लूरल बताना है, तो हम पढ़े थे ना, जब भी आपका यूएस लास्ट में आता है तो हमको क्या कर देना है, यूएस को रिमूव करके डबल आई, कहीं कहीं डबल आई आता है, कहीं सिंगल आई आता है, तो यहाँ पे डबल आई आएगा। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, आर ए डी डबल आई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, चूज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे बताना है, आई गेव टू सना द कीज, मैंने कीज सना को दी है, तो टू यहाँ पे नहीं आना चाहिए, आई गेव सना द कीज हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे ए पार्ट सही हो जाएगा आपका, आई गेव सना द कीज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, डैश आर एट डैश कॉफ़ी हाउस इज एनफ टू टॉक। यहाँ पे हमको आर्टिकल फिल करना है, तो आर जब भी आपका आता है तो आपको पता ही है, आर हम इस तरह ना प्रोनाउंस करते हैं ना, आ से, तो ये आपका क्या है, वाउल है, तो वाउल जब रहेगा तो आपका क्या आना चाहिए, एन आएगा। भले ही ये एच में है, लेकिन प्रोनाउंस जो इसकी साउंड निकल रही है वो आ की निकल रही है। सो यहाँ पे एन आएगा, तो आपका ए इज सॉरी सी सही, सी पार्ट सही हो जाएगा, एन आर एट आ ऑफिस हाउस। ओके, सो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ऑफ विच पोयम इज द फॉलोइंग लाइन अ पार्ट, फॉर देम नो मोर द ब्लेजिंग हार्ट सेल बर्न। यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित जो लाइनें हैं वो किस पोयम की लाइनें हैं। तो यहाँ पे आपकी किस पोयम की लाइन है, सबसे पहले मैं बता दे रही हूँ कि ये लाइनें आपकी थॉमस ग्रे की एल्जी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड की लाइनें हैं ये।
ओके, बट बुक में लिसीडस दिया हुआ, कई जगह लिसीडस दिया हुआ, बट ये लिसीडस की लाइन नहीं है, ये लाइन है आपकी थॉमस ग्रे के एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्च यार्ड की लाइन है। सो उसके हिसाब से हम किस पे जा सकते हैं, सी पे जा सकते हैं, ग्रेज एलिजी, क्योंकि ये थॉमस ग्रे की एलिजी की ही लाइनें हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। बुक में आपका लिसीडस दिया हुआ है, आप लोग भी चेक कर लीजिएगा, हो सकता है, लेकिन लिसीडस में नहीं है, ये इसी में है, एलजी रिटन है कंट्री चर्च यार्ड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु ओवरकम्स बाय फोर्स हैथ ओवरकम बट हाफ इज फो, दीज लाइन अकर इन, ये लाइनें कहाँ पे आती हैं। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये लाइनें हमारी आती हैं पैराडाइज लॉस्ट में आती हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगला क्वेश्चन है। चूज द सिनोनिम ऑफ रेट्रोग्रेड, हमको बताना है रेट्रोग्रेड की सिनोनिम्स क्या है। पहले जान लेते हैं रेट्रोग्रेड मतलब होता क्या है। रेट्रोग्रेड मतलब होता है बैकवर्ड, यानी कि पीछा। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी ही हो जाएगा, बैकवर्ड। ओके, इंडिग्निटी मतलब होता है, और भी ऑप्शन देख लेते हैं। इंडिग्निटी मतलब होता है इंसल्ट या डेरोगेशन या ह्यूमिलिएशन। ओके, क्राइसिस मतलब होता है मुसीबतें परेशानियाँ, और डेप्रेविटी मतलब होता है करप्शन या भ्रष्टता जिसको बोलते हैं। सो हमारा यहाँ पे डी आपका सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यूज़ द आर्टिकल सी ड्रू अ मैंगो ऑन डैश बोर्ड, हमको यहाँ पे आर्टिकल का यूज़ करना है। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर द हो जाएगा, सी ड्रू अ मैंगो ऑन द बोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स ऑफ पोइट्री इज अ मच हायर ऑर्डर दैन बैलेट्स एंड मे बी इधर डिस्क्रिप्टिव और नैरेटिव, मतलब यहाँ पे कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा पोइट्री का फॉर्म है जो बैलेट्स से ज़्यादा उच्च है, एंड मे बी इधर या तो ये डिस्क्रिप्टिव है या तो ये नैरेटिव है, कौन सा ऐसा पोइट्री का फॉर्म है। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा डी हो जाएगा, लिरिकल। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। Which of the following sentences is correct, इसमें बताना है कि कौन सा सेंटेंस करेक्ट है। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा बी हो जाएगा, सी एंटर्ड द रूम, क्योंकि हमको पता है एंटर के साथ कभी भी प्रेपोजिशन नहीं आता है। अगर एंटर आपका एज ए वर्ब यूज़ होता है ना, एज ए वर्ब अगर एंटर आपका आता है तो इसके साथ नो प्रेपोजिशन, और अगर यहाँ पे एक चीज़ और है, एंटर के साथ प्रेपोजिशन कब लगता है, जब हम उस चीज़ को, उस ऑब्जेक्ट को, जो उसके आने वाला जो ऑब्जेक्ट है उसको हम देख नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, तब वहाँ पे हम एंटर के साथ क्या लगा सकते हैं, इनटू लगा सकते हैं। जैसे ही सी एंटर्ड इनटू माय लाइफ, तो लाइफ क्या है, लाइफ आपका एक अब्स्ट्रैक्ट नाउन है जिसको हम टच नहीं कर सकते, ना ही देख सकते हैं, ओनली फील कर सकते हैं। सो यहाँ पे हम एंटर के साथ इनटू लगा सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे लग सकता है, बट जिसको हम टच कर सकते हैं, जहाँ पे हम एंटर कर रहे हैं ना, उस चीज़ को हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, तो उसके साथ कभी भी प्रेपोजिशन नहीं लगता है। सो यहाँ पे रूम क्या है, एक आपको देख सकते हो, कॉन्क्रीट नाउन है, देख सकते हो, टच कर सकते हो, तो यहाँ पे एंटर के साथ आपका प्रेपोजिशन नहीं आएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है। इफ़ यू आर लिविंग नियर मार्केट यू शुड बी रेडी टू बियर द डिस्टर्बेंस कॉज बाई ट्रैफिक, अगर आप मार्केट के नज़दीक रहते हो तो आपको जो ट्रैफिक की जो परेशानियाँ होती हैं उसके डिस्टर्बेंस को क्या करना रहेगा, सहन करना पड़ेगा, तो बियर विद होता है सहन करने की। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, टू बियर विद हो जाएगा। नेक्स्ट, टिक द करेक्ट वन, हमको बताना है इसमें कौन सा सही है आपका। सो यहाँ पे हमारा ए ही सही हो जाएगा, ही आस्क्ड मी वेयर आई लिव्ड। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। जो क्वेश्चंस इजी हैं उस पे ज़्यादा वक्त नहीं लगाएंगे, टाइम नहीं लगाएंगे। विच ऑफ दीज ट्रैवल पोएम्स बिलोंग टू विलियम वर्ड्सवर्थ, इसमें बताना है कि कौन सा विलियम वर्ड्सवर्थ का ट्रैवल पोएम है। सो यहाँ पे ए इज करेक्ट हो जाएगा, डिस्क्रिप्टिव स्केचेस। नेक्स्ट अगला है, विल यू गिव अप योर इंडियन एम्पायर आर यू शेक्सपियर, यू इंग्लिश नेवर हैव हैड एनी इंडियन एम्पायर आर नेवर हैव हैड एनी शेक्सपियर,
यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे थोड़ी सी इसकी हिंदी समझ लेते हैं क्या कह रहा है। विल यू गिव अप योर इंडियन एम्पायर, क्या आप अपना भारतीय साम्राज्य छोड़ देंगे। आर योर शेक्सपियर या अपना शेक्सपियर, मतलब क्या आप अपना भारतीय साम्राज्य या फिर अपना शेक्सपियर छोड़ देंगे। यू इंग्लिश, आप अंग्रेज़ हैं। नेवर हैव हैड एनी इंडियन एम्पायर, कभी कोई भारतीय साम्राज्य नहीं था। आर नेवर हैव हैड एनी शेक्सपियर, या कभी कोई शेक्सपियर नहीं था। हु रोट दीज फेमस लाइन्स, ये लाइन कौन लिखता है। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, थॉमस कार्लाइल। किसने लिखा ये लाइन ने, थॉमस कार्लाइल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वर वेरी मच फॉन्ड ऑफ द ग्रेट फिगर लाइक मोहम्मद एंड टैम्बूरेन फॉर हीरोइक थीम्स। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा 48 का, सी हो जाएगा, द यूनिवर्सिटी विट्स। मतलब बहुत ज़्यादा फॉन्ड ऑफ थे, ग्रेट फिगर थे, जैसे मोहम्मद और टैम्बूरेन किसके, हीरोइक थीम्स के लिए। तो कौन था वो, यूनिवर्सिटी विट्स थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंस द कार हैड ब्रोक डाउन वी हैड टू टेक अ बस। यहाँ पे हमको ब्रोक डाउन का सही करना है, क्या आना चाहिए कि अगर कार टूट जाती है तो हमें बस लेना पड़ेगा। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, ब्रोक डाउन हो जाएगा। ओके, क्योंकि एक वाला किस में चला जाता है, पास्ट में, तो ये वाला चला जाएगा। सॉरी, यहाँ पे कार हैड ब्रोक डाउन हो जाएगा, यहाँ पे सी सही हो जाएगा आपका। ओके, 49 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ऑलरेडी यहाँ पे ब्रोक डाउन था ही। ओके, आगे बढ़ते हैं। ही सक्सीडेड बाई डिंट ऑफ हार्ड वर्क। ओके, तो यहाँ पे डिंट क्या है, यहाँ पे एक नाउन है, ये जो डिंट है ना, एक नाउन है, और इस मतलब ये नाउन है, डिंट ये नाउन है, इसका मतलब होता है एज अ रिजल्ट ऑफ समथिंग, किसी भी चीज़ का रिजल्ट इसका मतलब होता है, परिणाम। सो यहाँ पे ही सक्सीडेड बाई डिंट ऑफ हार्ड वर्क, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, डी हो जाएगा, नो इम्प्रूवमेंट, ये सही है, ही सक्सीडेड बाई डिंट ऑफ होता है। अगला क्वेश्चन है, हु कंसिडर्ड वर्ड्सवर्थ एज अ हाई प्रिस्ट ऑफ नेचर। तो जब भी बात कंसिडर्ड की आएगी तो हम किसकी तरफ जाएंगे, आपका थॉमस डी क्वेंसी की तरफ जाएंगे, क्योंकि जो हाई प्रिस्ट ऑफ नेचर है इसको क्वाइन करने वाला मैथ्यू अर्नोल्ड है, और इसको वर्ड्सवर्थ को हाई प्रिस्ट ऑफ नेचर किसने कंसिडर किया है, तो डी क्वेंसी ने किया है। ओके, क्वाइन आएगा तो आप मैथ्यू अर्नोल्ड की तरफ जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु सेड लिसिडस इज द टच स्टोन ऑफ पोएटिक टेस्ट। किसने कहा था लिसिडस क्या है, पोएटिक टेस्ट का एक टच स्टोन है। सो यहाँ पे ए इज करेक्ट हो जाएगा, टेनिशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ओ माइरेट्स ऑफ इमोर्टल स्प्रिट्स ओ पावर्स मैचलेस इन पैराडाइज लॉस्ट बुक फर्स्ट शैटन इज एड्रेसिंग हिज। ये किसको एड्रेस कर रहे हैं, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अपने फॉलोअर्स को। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं, चेंज द नरेशन ही सेट, सॉरी आई सेट टू हिम हाउ डू यू नो दिस। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, इनडायरेक्ट में बनाना है। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, आई आस्क्ड हिम हाउ ही न्यू दैट। ओके, जब से आप लोग ने कहा कि मैम एक्टिव वाइज और नरेशन ज़्यादा मत समझाइए, तो वहाँ पे हम ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करते, क्योंकि यहाँ ईजी रहता है, TGT PGT के बच्चे तो सबको, हर लोग ही पढ़े होंगे ये, है ना, तो इसलिए फिर उतना एक्सप्लेन नहीं किया जाता है। आप ही लोग ने कहा था ही शेड वी आर ऑल सीनर्स, तो यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि उसने कहा है कि हम सभी क्या हैं, सीनर्स हैं, पापी हैं। सो ये कहीं ना कहीं एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, यहाँ पे हम चेंज नहीं करेंगे। हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर अगर होगा तो ए हो जाएगा, ही शेड दैट वी आर ऑल सीनर्स। ओके, बट बुक में आपका बी दिया हुआ है, बुक में आपका बी दिया हुआ है जो कि ये चेंज किया हुआ है, इसको देख लीजिएगा आप लोग एक बार ज़रूर। लेकिन ये मेरे हिसाब से तो ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है जो कि चेंज नहीं होना चाहिए, आपका बी दिया हुआ है। ओके, बुक में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, वुड यू माइंड टेकिंग ऑफ योर शूज बिफोर एंटरिंग द हाउस ही सेड टू द फॉरेनर। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डायरेक्ट हम करेक्ट आंसर की तरफ चलते हैं, हमारा करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, He requested the foreigner to take off his shoes before entering the house. Which Shakespeare play has the line "Don't waste your love on somebody who don't value it"?
किसने शेक्सपियर के किस प्ले में, मतलब शेक्सपियर के किस प्ले में ये लाइनें हैं, डोंट वेस्ट योर लव ऑन समबडी, अपना जो प्रेम है ना वो किसी पर भी वेस्ट मत करो, यू डोंट वैल्यू इट, जो इसकी वैल्यू नहीं करता है। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा बी हो जाएगा, रोमियो एंड जूलियट की लाइन है ये। ओके करेक्ट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, वन मोर अनफॉर्चुनेट वेरी ऑफ ब्रेथ दीज लाइन्स फ्रॉम थॉमस हुड्स द ब्रीज ऑफ शाय। मतलब ये जो लाइनें हैं ये थॉमस हुड की द ब्रीज ऑफ शाय है, आर रिटन इन, ये किस में लिखी गई है। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, डैक्टिलिक मीटर में लिखी गई है। ओके नेक्स्ट, माई राइजिंग इज दाई फॉल दिस लाइन इज फॉर्म। तो यहाँ ये लाइनें कहाँ पर आती हैं, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, पैराडाइज रिगेन में ये लाइनें आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रोट शेक्सपियरियन ट्रेजेडी, शेक्सपियरियन ट्रेजेडी किसने लिखा है। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ए सी ब्रेडले ने लिखा है शेक्सपियरियन ट्रेजेडी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, लॉर्ड व्हाट फूल दीज मॉर्टल्स बी दिस लाइन अकर्स इन, ये लाइनें कहाँ पे आती हैं। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, अमिड समर नाइट ड्रीम में ये लाइनें आपकी आती हैं। ओके नेक्स्ट, नाउ लोड द फॉर्मामेंट विद लिविंग शेफर स्पेयर्स हेस्पर्स दैट लेड इन बुक फोर ऑफ पैराडाइज लॉस्ट। फॉर्मामेंट मीन्स क्या होता है। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा, फॉर्मामेंट मीन्स होता है स्काई। ओके नेक्स्ट, पीस हैथ हर विक्ट्रीज नो लेस रिनाउंड दैन वॉर द एबव लाइन्स आर टेकन फ्रॉम, ये लाइनें कहाँ से ली गई हैं। पीस हैथ हर विक्ट्रीज नो लेस रिनाउंड दैन वॉर, सो करेक्ट आंसर हो जाएगा टू द लॉर्ड जनरल क्रॉमवेल, मिल्टन ने एक पत्र लिखा था टू द लॉर्ड जनरल क्रॉमवेल, उसमें ये लाइनें आपकी हैं। ओके नेक्स्ट, She gave me eyes, she gave me ears and humble cares and delicate fears where were in reference to, ये किसके रेफरेंस में जाता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, ड्रोथी वर्ड्सवर्थ को। ओके नेक्स्ट, माय बाउंटी इज एज बाउंडलेस एज द सी दिस लाइन अकर्स इन, ये लाइनें कहाँ पे आती हैं। सो ये लाइनें आपकी आती हैं, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा, रोमियो एंड जूलियट में ये लाइनें आपकी आती हैं। ओके नेक्स्ट, Who has written preface to Shakespeare? किसने लिखा है, ये किसने लिखा है preface to Shakespeare? So यहाँ पे correct answer हो जाएगा डॉक्टर जॉनसन हो जाएंगे, सेमुअल, डॉक्टर सेमुअल जॉनसन ने लिखा है preface to Shakespeare। Next question पे चलते हैं, Who has said, किसने कहा था that the Lear of Shakespeare cannot be acted? शेक्सपियर का जो लियर है वो एक्टेड नहीं, मतलब वो एक्ट नहीं किया, नहीं कर सकता है। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सी, चार्ल्स लैम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, अफेजिया डिनोट्स, अफेजिया मतलब क्या होता है यहाँ पे। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा अफेजिया, करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारा डी हो जाएगा, लैंग्वेज डिसऑर्डर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेगेटिव कैपेबिलिटी इज टर्म एसोसिएटेड विद, करेक्ट आंसर जॉन कीट्स। नेक्स्ट, ऑल थिंग्स आर रेडी इफ आवर माइंड बी सो अकर्सिंग, ये लाइनें कहाँ पे आती हैं। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा हेनरी फिफ्थ में ये लाइनें आपकी आती हैं। नेक्स्ट, हु इज ऑर्फीज, ऑर्फीज कौन है। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, 71 का सी हो जाएगा, अ शेफर्ड फ्रॉम ग्रीक माइथोलॉजी हु ट्राइड टू लीड हिज वाइफ आउट ऑफ द अंडरवर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द सेकेंड अर्लीस्ट इंग्लिश ट्रेजिडी इन ब्लैंक वर्ड्स। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर, मतलब ब्लैंक वर्ड्स में सेकेंड अर्लीस्ट इंग्लिश ट्रेजिडी कौन सी है। सो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू बुक आपका ए इज करेक्ट हो जाएगा, जो कस्टा 1566 बाय जॉर्ज गैस्कॉग ने, मतलब जो कस्टा 1566 बाय जॉर्ज गैस्कॉग ने। ओके
नेक्स्ट क्वेश्चन है, द चीफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द रेनेसेंस वॉज, रेनेसेंस का मुख्य कैरेक्टरिस्टिक क्या था? सो यहाँ पे करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, इट्स एम्फेसिस ऑन ह्यूमनिज्म। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई एम नॉट टेलिंग दैट यू शुड हंट आउट पीपल टू परस्यू योर पॉलिसीज। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, 75 का यहाँ पे टेलिंग नहीं होगा, सेइंग होगा, आई एम नॉट सेइंग। ओके, टेलिंग नहीं होता यहाँ पे, सेइंग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देख लेते हैं पहले इसको, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू ऑफ मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट, कौन सा स्टेटमेंट आपका सत्य है यहाँ पे मिल्टन के पैराडाइज लॉस्ट से? सो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, कौन सा सत्य है, पैराडाइज लॉस्ट इज अ रेनेसेंस प्रोटेस्टेंट इंग्लिश एपिक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन बुक फर्स्ट अ पैराडाइज लॉस्ट मिल्टन इन्वोक्स द हेवनली म्यूज ऑफ यूरोनिया, यूरेनिया सी इज द म्यूज ऑफ, मतलब बुक फर्स्ट पैराडाइज लॉस्ट के बुक वन में मिल्टन इन्वोक करते हैं हेवनली म्यूज यूरेनिया का, सी इज द म्यूज ऑफ एस्ट्रोनॉमी, वो एस्ट्रोनॉमी की म्यूज रहती है। ओके, नेक्स्ट, What is the device called by which a writer expresses almost the opposite meaning to what he ostensibly speaks? तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मतलब यहाँ पे क्या कह रहा है कि what is the device called by which a writer expresses, मतलब वह युक्ति क्या कहलाती है, which a writer expresses almost the opposite meaning to what he ostensibly speaks, जिसके द्वारा एक लेखक प्रत्यक्ष रूप से जो बोलता है उसका लगभग विपरीत अर्थ व्यक्त होता है, वो डिवाइस क्या कहलाती है? सो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, आयरनी कहलाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट, अ रेफरेंस टू कैरेक्टर्स एंड इवेंट्स माइथोलॉजी मीन्स, सो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, एल्यूसिव। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, From where did Wordsworth get idea that education of nature is superior to bookish learning? मतलब Wordsworth ने ये idea कहाँ से पाया कि education of nature is superior है to bookish learning? So यहाँ पे correct answer हो जाएगा A, Rousseau से। Okay, यहाँ पे correct answer क्या हो जाएगा, Rousseau। Next, a sequence of 5 feet or a words of that length is called, मतलब 5 feet की बात कर रहा है, so यहाँ पे correct answer हो जाएगा Pentapody। ओके, नेक्स्ट, पोएटिसिज्म क्या है, करेक्ट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा, वो वर्ड्स है दैट आर नॉर्मली यूज्ड इन पोएट्री, वो वर्ड्स जो पोएट्री में यूज किए जाते हैं एंड नॉट इन प्रोज, और प्रोज में नहीं। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, द फॉलोइंग लाइन्स आर टेकन फ्रॉम लव क्वेरल्स ऑफ इन प्लेजिंग कनकॉर्ड एंड नेट सॉरी नॉट विड लॉक ट्रिचरी, ये लाइनें कहाँ पे आपकी आती हैं? सो करेक्ट आंसर यहाँ पे ए, सैमसन एगोनिस्टिस में ये लाइनें आपकी आती हैं। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द शेक्सपियर प्लेज इज परफॉर्म्ड ऑन June 23 एवरी ईयर, शेक्सपियर का कौन सा प्ले है जो प्रत्येक ईयर 23 जून को परफॉर्म किया जाता है? सो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा अ मिड समर नाइट्स ड्रीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डार्क कॉमेडी, कौन सा डार्क कॉमेडी है? तो डार्क कॉमेडी मेजर फॉर मेजर हेड ट्रिक बेड ट्रिक के लिए जानी भी जाती है और डार्क कॉमेडी के लिए भी जानी जाती है, डार्केस्ट कॉमेडी है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मीनिंग ऑफ बथोज इज, बथोज की मीनिंग क्या है? सो करेक्ट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा, अन इंटेंशनल लुडिकरस डिसेंट फ्रॉम द एग्जॉल्टेड टू द कॉमन प्लेस। ओके, तो यहाँ पे बी हो जाएगा आपका। ठीक है,
ये दोनों ही एक जैसा लग रहा है, तो यहाँ पे हम सी पे चले जाएंगे, बोथ ए एंड बी। नहीं 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 बी सही है, सॉरी यहाँ पे बी ही सही है। अन इंटेंशनल लुडिक्रस डिसेंट फ्रॉम द एग्जॉल्टेड टू द कॉमन प्लेस। ओके बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है व्हाट इज इन एन एकोलॉग। एकोलॉग क्या है? सो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, अ शॉर्ट पेस्टोरल पोयम है इन विच शेफर्ड्स कॉन्वर्जन विद वन अनदर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है द ब्राइट डे इज डन एंड वी आर फॉर द डार्क, दिस लाइन अकर्स फ्रॉम। ये लाइनें कहाँ पे आती हैं? सो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, एंटनी एंड क्लियोपेट्रा में लाइनें आपकी आती हैं। ओके नेक्स्ट, ही विल नॉट बी ज्वाइनिंग द रैट रेस विच स्टार्ट्स अराउंड दिस टाइम एवरी ईयर एज द बोर्ड एग्जाम्स ड्रॉ क्लोज। तो यहाँ पे हमको जो ड्रॉ क्लोज है इसको सही करना है, यहाँ पे क्या आना चाहिए? सो यहाँ पे करेक्ट आंसर ये अपनी जगह पे सही है, ड्रॉ क्लोज, सो नो करेक्शन रिक्वायर्ड। यहाँ पे कोई भी करेक्शन की रिक्वायर्ड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है शेमिनल। शेमिनल क्या होता है? शेमिनल होता है आपका, यहाँ पे देख लेते हैं इसको, वन मिनट। यहाँ पे शेमिनल, शेमिनल मींस क्या होता है? शेमिनल मतलब होता है मौलिक या जेन्युइन, ठीक है, जेन्युइन। सो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, ओरिजिनल। शेमिनल मतलब होता है जेन्युइन। ओके तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर ओरिजिनल हो जाएगा। बॉटम पता ही है आप लोग को। पेंसिव मतलब क्या होता है? तनावग्रस्त, दुखी, पेंसिव। और ऑस्ट्रासिज्म, ऑस्ट्रासिज्म मतलब होता है बायकॉट यानी कि एग्जाइल, इसको एग्जाइल भी बोल सकते हैं, एग्जाइल, ठीक है, बैनिश कर देना, एग्जाइल, बायकॉट कर देना, ऑस्ट्रासिज्म। ओके सो सेमिनल का यहाँ पे ओरिजिनल हो जाएगा जेन्युइन। करेक्ट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा हमारा, 90 का यहाँ पे करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे यहाँ चलते हैं। व्हाट इज क्वेंटिन? हमने पढ़ा था ना क्वेंटिन क्या होता है, तो क्वेंटिन वो स्टेंजा कहलाती है, जो फाइव लाइन्स की स्टेंजा को हम लोग क्वेंटिन बोलते हैं। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ए हो जाएगा, आ स्टेंजा ऑफ फाइव लाइन्स। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राइम रॉयल क्या होता है? सो यहाँ पे करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, आ स्टेंजा ऑफ सेवन फाइव फुट लाइन्स इन एम्बिक मीटर। ओके नेक्स्ट, इन विच पोएम द फॉलोइंग स्टेटमेंट अपीयर, सॉलिट्यूड सम टाइम इज बेस्ट सोसाइटी। जो सॉलिट्यूड है, अकेलापन है, वो कभी कभी बहुत अच्छी सोसाइटी है, ये किस पोएम में लाइनें हैं? सो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा? सी हो जाएगा, पैराडाइज लॉस्ट बुक नाइन की ये लाइनें हैं। ये बोलता कौन है? इसका स्पीकर है एडम। ओके इसका स्पीकर कौन है? एडम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉट इज सेक्सटेन? सेक्सटेन क्या होता है? तो सेक्सटेन भी उसी को कहते हैं, सिक्स लाइन की स्टेंजा को सेक्सटेन बोलते हैं या फिर सेक्सटेन बोलते हैं। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा डी हो जाएगा, बोथ ए एंड बी, यानी कि एनी स्टेंजा ऑफ सिक्स लाइन, मतलब सिक्स लाइन की कोई भी स्टेंजा हो उसे बोलते हैं, या फिर आप इस बोल सकते हैं अनदर वर्ड फॉर सिक्सटेन। सो यहाँ पे डी इज करेक्ट हो जाएगा, दोनों ही सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ड्स विच इज मेजर्ड बाय द नंबर ऑफ स्ट्रेस रेदर देन बाय द नंबर ऑफ सेलेबल इन अ लाइन इज नोन। मतलब वर्ड्स जो कि मेजर्ड किया जाता है किसके द्वारा? नंबर ऑफ स्ट्रेस बजाय नंबर ऑफ सेलेबल किसी भी लाइन में, उसकी बजाय ये नंबर ऑफ स्ट्रेस से मेजर किया जाता है, ऐसा कौन सा वर्ड्स क्या कहलाता है जो नंबर ऑफ स्ट्रेस से मेजर किया जाता है? सो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा स्प्रंग वर्ड्स। ओके यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? स्प्रंग वर्ड्स। नेक्स्ट, हाउ अकॉर्डिंग टू मिल्टन इन हिज ऑन ब्लाइंडनेस डज नॉट बेस्ट सर्व गॉड। मतलब जो मिल्टन के अनुसार जो मिल्टन का वो था सोनेट था ऑन हिज ब्लाइंडनेस, उसमें एक लाइन है ना, वन बेस्ट सर्व गॉड, इसका क्या मतलब होता है? सो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, बाय सबमिटिंग टू हिज विल क्वाइटली। ओके नेक्स्ट,
द स्पीकर अलाइंस मेलनकली विद, सो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा द डार्कनेस ऑफ अंडर वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द क्रिटिकल एशे शेक्सपियर्स इंग्लिश किंग्स हैज़ बीन रिटन बाय, ये जो क्रिटिकल एशे है शेक्सपियर इंग्लिश किंग्स हैज़ बीन रिटन बाय, ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये आपका लिखा गया है वॉल्टर पीटर के द्वारा, वॉल्टर पीटर, इन्होंने ही ये लिखा है क्रिटिकल एशे शेक्सपियर इंग्लिश किंग्स। तो आपका यही आंसर सही है, इसमें एक भी आंसर सही नहीं है। ओके, बुक में आपका दिया हुआ है हैज़लिट, तो इसको आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। मेरे अकॉर्डिंग तो वॉल्टर पीटर ही है ये जो लिखे हैं शेक्सपियर इंग्लिश किंग्स। ओके, तो उसके हिसाब से तो यहाँ पे कोई भी ऑप्शन वॉल्टर पीटर का नहीं है, सो इसको भी एक मरतबा ज़रूर चेक कर लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द अमेरिकन ऑथर रोट पैराडाइज लॉस्ट द नॉवल इन 1994 बेस्ड अपॉन द एपिक पोयम, उस अमेरिकन ऑथर का नाम क्या है जिसने पैराडाइज लॉस्ट द नॉवल लिखा है 1994 में, 1994 जो बेस्ड है एपिक पोयम। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा जोसेफ लैंजारा। बुक में आपका जोसेफ कॉनराड दिया हुआ है, बट आंसर आपका है ये जो लिखा है अमेरिकन ऑथर, ये किसने लिखा है? जोसेफ लैंजारा ने लिखा है, तो इसको भी आप लोग एक मरतबा चेक कर लीजिएगा। हालांकि ओके, आपके हिसाब से कौन सा आंसर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिल्टन्स पोइट्री इज अ मिरर इन विच द राइटर्स कैरेक्टर इज वेरी क्लियरली रिफ्लेक्टेड, हु मेड दिस स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट किसका है? सो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा मैकमिलन, बहुत फेमस लाइन है, कितनी बार आ चुका है ना हम लोग के प्रैक्टिस सेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फीमेल कैरेक्टर डज नॉट अपीयर इन एज यू लाइक इट, कौन सा फीमेल कैरेक्टर नहीं है? तो रोजालिन तो हैं, ऑड्री भी है, सेलिया भी है, कौन सा नहीं पूछा है? तो तीनों हैं आपकी, गॉन्ड्रिल नहीं है, गॉन्ड्रिल किस में है? किंग लियर में है। ओके, गॉन्ड्रिल किंग लियर की सबसे बड़ी एल्डर डॉटर है। द एंटोनिम ऑफ एनलिस्टी इज, एनलिस्टी का हमको एंटोनिम बताना है, तो एनलिस्टी मतलब होता है सूची, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे? कॉन्स्क्रिप्ट हो जाएगा। ओके, ये हो जाएगा। सो सपोर्ट पता ही है, डिफीट ये भी मालूम है, प्रोवोक ये भी आपको पता है, सो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा सी हो जाएगा। नेक्स्ट, द एंटोनिम ऑफ निम्बल, निम्बल का हमको एंटोनिम बताना है। निम्बल मतलब क्या होता है? निम्बल मतलब होता है फुर्तीला या चुस्त, तो इसको आप लोग बोल सकते हैं एजाइल, क्या बोल सकते हैं? एजाइल, या फिर इसको ब्रिस्क बोल सकते हैं। ठीक है, ब्रिस्क, निम्बल मतलब होता है चुस्त या फुर्तीला या एजाइल, ब्रिस्क बोल सकते हैं। तो इसका उल्टा हमको बताना है, तो इसका अगर हम अपोजिट जाएंगे तो स्लो पे जाएंगे, है ना, स्लो ही होगा इसका अपोजिट। तो आपके बुक में स्विफ्ट दिया हुआ है जो कि गलत लग रहा है, बट यहाँ पे हम निम्बल का उल्टा अगर होगा तो स्लो ही होगा, है ना। बुक में आपका ए दिया हुआ है, इसको आगे बढ़ते हैं। द एंटोनिम ऑफ गैफ इज, गैफ की हमको एंटोनिम बताना है, पहले जान लेते हैं गैफ मतलब होता क्या है। गैफ मतलब होता है भूल चूक, भूल चूक यानी कि क्या होता है? लैप्स, इसको इंग्लिश में अगर बोलेंगे लैप्स यानी कि गलती, लैप्स, या फिर डिफॉल्ट बोल सकते हैं, डिफॉल्ट, ओके डिफॉल्ट बोल सकते हैं, मफ बोल सकते हैं, अच्छा वर्ड है MUFF, मफ, है ना, ब्लूमर बोल सकते हैं, ये सारी इसी का गैफ का क्या है? सिनोनिम्स हैं। सो इसका हमको एंटोनिम बताना था, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा ए ही हो जाएगा, सरकमस्पेक्शन। सरकमस्पेक्शन मीन्स क्या होता है? एहतियात, या कोई चीज़ एहतियात से करना, सावधानी से करना। ओके, इसको अगर हम लोग सिनोनिम्स लेंगे इसका, तो विजिलेंस भी बोल सकते हैं, एहतियात या सावधानी। ओके, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, इसका एंटोनिम गैफ का हो जाएगा। मैग्नीट्यूड पता ही है, मैग्नीट्यूड मतलब होता है परिणाम या आकार, और इंक्लाइनेशन, इंक्लाइनेशन मीन्स क्या होता है? झुकाव, क्या होता है? झुकाव। एम्बिशन महत्वाकांक्षा, सो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ही हु इज असुडियस डैश हिज वर्क इज श्योर टू सक्सीड, यहाँ पे हमको प्रेपोजिशन फिल करनी है, सो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा इन हो जाएगा, इन यहाँ पे हम फिल करेंगे असुडियस इन। ठीक है, एसिडुअस मतलब क्या होता है? वर्क हार्ड, क्या होता है? वर्क हार्ड यानी कि मेहनती।
Their diet was deficient dash protein. तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इन ही हो जाएगा. Their diet was deficient in protein. Okay, so correct answer यहाँ पे क्या हो जाएगा, A हो जाएगा. Next question है, Aurangzeb was bigoted dash religion. तो यहाँ पे हमारा इन, यहाँ पे भी इन हो जाएगा. औरंगजेब जो थे वो रिलीजन में बिगॉटेड थे, बिगॉट मतलब कट्टरपंथी. ओके, सो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा ए हो जाएगा, इन. नेक्स्ट, द जज इज इम्परवियस डैश ऑल इंट्रिटीज. सो यहाँ पे हम करेक्ट ऑप्शन क्या फिल करेंगे, टू. आगे बढ़ते हैं, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन आफ्टर पंक्चुएटिंग द फॉलोइंग सेंटेंस. यहाँ पे हमको पंक्चुएट करना है. अटेंशन, एप्लीकेशन, एक्यूरेसी, मेथड, पंक्चुअलिटी एंड डिस्पैच आर द प्रिंसिपल क्वालिटीज रिक्वायर्ड फॉर द इफिशियंट कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ एनी शॉर्ट. सो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा बी हो जाएगा. करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारा बी हो जाएगा. अटेंशन कॉमा लगा हुआ है, एप्लीकेशन, एक्यूरेसी सारा कॉमा आना चाहिए, मेथड, पंक्चुअलिटी एंड डिस्पैच आर द प्रिंसिपल क्वालिटीज रिक्वायर्ड फॉर द इफिशियंट कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ एनी शॉर्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. अगला क्वेश्चन है, रेड इन टूथ एंड क्लॉ. इसका मतलब क्या होता है, रेड इन टूथ एंड क्लॉ मीन्स क्या होता है. तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, टू इन्वॉल्व सर्वेस कॉन्फ्लिक्ट. ओके, सो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इन स्पेड मीन्स, इन स्पेड मतलब क्या होता है. सो यहाँ पे करेक्ट मतलब इन वेरी हाई डिग्री. इन स्पीड मतलब होता है इन वेरी हाई डिग्री. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एलिफेंट इन द कॉर्नर मीन्स, द एलिफेंट इन द कॉर्नर मीन्स क्या होता है. करेक्ट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा. एन एम्बैरेसिंग टॉपिक, एक एम्बैरेसिंग टॉपिक होती है जो हम किसी से कॉन्वर्स नहीं कर सकते, उसके बारे में एक एम्बैरेसिंग टॉपिक होती है जो हम बात नहीं कर सकते हैं. ओके, नेक्स्ट, लाइक द बैक ऑफ अ बस. इसका मतलब क्या होता है, लाइक द बैक ऑफ अ बस. सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनअट्रैक्टिव, वेरी अनअट्रैक्टिव. तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा वेरी अगली. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. अगला क्वेश्चन है, हाइड योर लाइट अंडर अ बशल मीन्स. इसका मतलब क्या होता है, तो ये सारे ही आपके इडियम से हैं क्वेश्चन. इसका मतलब होता है, कीप क्वाइट अबाउट योर टैलेंट्स. अपने टैलेंट्स के बारे में क्या करना है, कीप क्वाइट रहना है. ओके, नेक्स्ट, इन अ राइटिंग सिस्टम द मिनिमल यूनिट दैट कॉज अ डिफरेंस ऑफ मीनिंग इज कॉल्ड. मतलब राइटिंग सिस्टम में जो मिनिमल यूनिट होती है वो क्या होता है, वो कॉज होता है डिफरेंस ऑफ मीनिंग इज कॉल्ड. क्या कहलाता है वो, आपका कहलाता है ग्रैफीम. यहाँ पे कह रहा है कि किसी भी लेखन प्रणाली में अर्थ में अंतर पैदा करने वाली न्यूनतम इकाई क्या कहलाती है, इस कॉल्ड ग्रैफीम कहलाती है. ठीक है, जब भी हम कुछ लिखते हैं उसमें जो भी अर्थ अंतर पैदा करती है, जो न्यूनतम इकाई जो अर्थ अलग कर देती है, वो क्या कहलाती है, ग्रैफीम कहलाती है. ओके, सो यहाँ पे बी इस करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुल फैदम फाई दाई फादर लाइज इज एन एग्जाम्पल ऑफ. तो एलिट्रेशन है ना, एफ 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 करके साउंड सारे ही आपके कॉन्सोनेंट साउंड आ रहे हैं. तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज ट्रॉकी. ट्रॉकी क्या है. सो यहाँ पे करेक्ट आंसर बी हो जाएगा. अ टू सिलेबल्स होते हैं इसमें वर्ड्स, विच इज द स्ट्रेस फॉल्स ऑन द फर्स्ट सिलेबल. जो फर्स्ट सिलेबल होता है वो स्ट्रेस होता है. मतलब इसमें दो सिलेबल्स होते हैं, एक आपका स्ट्रेस होता है जो फॉलो करता है अनस्ट्रेस सिलेबल को. ओके, इसी का अपोजिट क्या है, आयम्बस. आयम्बस में भी टू सेलेबल होते हैं और वो क्या करता है, पहला अनस्ट्रेस होता है जो फॉलो करता है या प्रिसीड करता है स्ट्रेस सेलेबल को. आयम्बस की बात है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन किंग लियर फॉर व्हाट रीजन डज केंट अज्यूम अ डिसगाइज. किंग लियर में ऐसा क्या कारण था जिसको केंट को डिसगाइज होना पड़ा. तो यहाँ पे ए सही हो जाएगा, टू कंटिन्यू टू सर्व लियर दो लियर हैज़ बैनिस्ड हिम. वो मतलब वो लियर का क्या करना चाहता था, सेवा करना चाहता था, हालांकि लियर ने उसे क्या कर दिया था, बैनिश कर दिया था, क्योंकि उसने कॉर्डेलिया का साथ दे दिया था. साथ क्या दिया था, वो सही बोला था. रिगार्डिंग हिज यूज़ ऑफ द ब्लैंक वर्ड्स हु क्वाइंड द फ्रेज मार्लोज माइटी लाइन्स. मतलब ये जो ब्लैंक वर्ड्स के यूज़ करने के रिगार्डिंग किसने ये फ्रेज मार्लोज माइटी लाइन्स क्वाइन किया है. तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा बेन जॉनसन. इन्होंने ही
किया है. ओके नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनदर टर्म डिस्क्राइब आर्ट फॉर आर्ट्स सेक. ये जो टर्म है आर्ट फॉर आर्ट्स सेक, इसका क्या डिस्क्राइब है? सो करेक्ट आंसर एस्थेटिसिज्म. ओके इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एस्थेटिसिज्म. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर डिड द ग्रेट एग्जीबिशन टेक प्लेस. किस ईयर ग्रेट एग्जीबिशन हुआ था? सो करेक्ट आंसर यहाँ पे 1851 में हुआ था. ओके यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1851. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टेटमेंट दैट देयर आर नन सो क्रेडुलस एज इनफिडल्स इज एन इलस्ट्रेशन ऑफ. ये किसका इलस्ट्रेशन है? जो स्टेटमेंट है दैट देयर आर नन सो क्रेडुलस एज इनफिडल्स, ये एक इलस्ट्रेशन है. इलस्ट्रेशन है ऑफ किसका? करेक्ट आंसर पैराडॉक्स का है. ओके यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ फ्री वर्ड्स. फ्री वर्ड्स के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? सो यहाँ पे ए सही है, कैरेक्टराइज बाय शॉर्ट इरेगुलर लाइन सही है, नो रिदम नो राइम पैटर्न होता है ये भी सही है, डिपेंडेंस इन द इफेक्टिव एंड मोर इंटेंस यूज ऑफ पॉज ये भी सही है. कौन सा सही नहीं है यहाँ पे बोल रहा है? तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, रिटन इन आयम्बिक पेंटामीटर. ये आयम्बिक पेंटामीटर में नहीं लिखा होता है फ्री वर्ड्स. ओके नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग थ्योरिस्ट होल्ड्स दैट मेटाफर एंड मेटोनिमी आर द टू फंडामेंटल स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज. कौन सा थ्योरिस्ट है जिसने होल्ड किया था द मेटाफर एंड मेटोनिमी आर द टू फंडामेंटल स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज का? सो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, रोमन जैकोबसन ने. ओके एंड लास्ट क्वेश्चन है आज का, द किंग जेम्स बाइबल वॉज पब्लिश्ड इन. किंग जेम्स बाइबल कब पब्लिश किया गया था? सी इस करेक्ट हो जाएगा 1611 में, 1611 में. तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे 125 क्वेश्चंस. आपको कैसे लगे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा. चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा. और हाँ, अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम पे हिना इंग्लिश क्लासेस से ज्वाइन हो सकते हैं. ओके अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा आपको कैसे लगे. ये आपका 17 प्रैक्टिस सेट था. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू फॉर वॉचिंग.